हेलो पेरेंट्स और मेरे प्यारे बच्चों, आपके पास इस तरह की कलर बुक्स तो होती ही होंगी जिनको आप कलर कर देते हो, और जब कलर हो जाती हैं तब आप उनका क्या करते हो? कुछ भी नहीं। तो आज मैं बताऊंगी कि इन कलर बुक्स जो आपकी भर जाती हैं उनका आप राइटिंग के लिए कैसे यूज़ करो, जिससे आपकी राइटिंग की प्रैक्टिस भी होगी और आपकी बुक का रीयूज़ भी हो जाएगा। तो देखो, ये है एप्पल और देखिए ये कलर भी हो चुका है और अब इसका कोई काम नहीं था। तो आज हमने क्या किया कि इसमें देखिए ऐसे ऐसे लाइन कर दी हैं कलर पेन से। ऐसे लाइन करने के बाद में अब ये देखिए, अब हम इसमें हर लाइन में एप्पल 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 लिख सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, अगर आपके पास भी इस तरह की कोई कलर बुक है तो आप उसमें ऐसे राइटिंग के लिए अपने पेरेंट्स से उसमें लाइनिंग करा लीजिए और इसको राइटिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए कितना अच्छा आइडिया है, आप इसमें लिख भी पाएंगे और कलरफुल चीज़ों में लिखने का तो मज़ा ही अलग होता है। और ये देखिए, अगर इस तरह की ये देखिए दूसरी बुक है, ये देखिए रोज़ है और ये पूरा कलर हो चुका है। और ये देखिए इसमें आधे में रोज़ लिखा है, थोड़े में रेड लिखा है और थोड़े में लीफ लिखा है। यानी कि जो रोज़ होता है वो कैसा होता है? रेड, और उसमें लीव्स भी होती हैं। और ये देखिए ये क्या है? लोटस। तो देखिए इसमें यहाँ तक लोटस लिखना है, फिर ऐसे पिंक लिखना है, फिर ऐसे पॉन्ड लिखना है। यानी कि लोटस पिंक होता है और ये पॉन्ड में उगता है। तो बच्चों, इस तरह की अगर आपके पास कलर बुक है तो आप भी ऐसी लाइनिंग करा के और उसको राइटिंग के लिए इस्तेमाल करिए। तो इससे आपकी बुक्स का दो दो बार यूज़ हो जाएगा और आप इससे थोड़ा मनी भी सेव कर सकते हैं और आप इंगेज भी रहेंगे, लिखना भी सीखेंगे और पढ़ना भी सीखेंगे और आपको स्पेलिंग्स भी याद हो जाएंगी। तो है ना मज़ेदार? तो आप इसे ज़रूर करना। ओके, बाय बाय।